नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। साल 2019 का महापर्व अक्षय तृतीया इस बार 7 मई को मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया को लेकर मान्यता है कि इस दिन किसी भी शुभ काम को करने के लिए किसी खास मुहूर्त की जरूरत नहीं है, बल्कि ये पूरा ही दिन शुभ माना जाता है और इसके पीछे एक खास वजह छिपी हुई है। दरअसल शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में जब सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च प्रभाव में होते हैं और जब उनका तेज सर्वोच्च होता है तो उस तिथि को हिंदू पंचांग में बेहद शुभ माना जाता है और इसी शुभ तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। अक्षय तृतीया की तिथि को हमेशा ही काफी शुभ माना जाता है, लेकिन इस साल ये कुछ ज्यादा ही खास है। इस वर्ष महासंयोग बन रहा है जो कि सभी राशियों के लिए शुभ है। इस वर्ष सूर्य, शुक्र, राहु और चंद्र अपनी सबसे उच्च राशि में होंगे। इससे पहले साल 2003 में ऐसा संयोग बना था। इस दिन ऐसा रिवाज है कि सोने की वस्तुओं की खरीदारी करनी चाहिए, साथ ही इनका लक्ष्मी पूजन भी करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, वो भी सभी सदस्यों पर, जिसके प्रभाव से कभी भी धन की कमी नहीं होती और सुख और समृद्धि आपके साथ रहते हैं। शुभ मुहूर्त की बात करें तो बता दें कि 7 मई मंगलवार के दिन अक्षय तृतीया मनाई जा रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:40 से दोपहर 12:17 तक है और सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:26 से लेकर रात 11:47 तक है। अब मैं आपको बताती हूँ अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। अक्षय तृतीया पर किया जाने वाला दान धर्म का कभी भी नाश नहीं होता और इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में इस तिथि को दान पुण्य करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसे चिरंजीवी भी कहते हैं क्योंकि इसी तिथि पर अष्ट चिरंजीवियों में भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसके अलावा कहा जाता है कि वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की भक्ति करना शुभ होता है, काफी महत्व रखता है। खास बात यह है कि इस महीने की तृतीया तिथि यानी कि अक्षय तृतीया पर प्राचीन समय में भगवान विष्णु के नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम अवतार हुए हैं। माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी इसी शुभ तिथि से हुई थी और इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने की परंपरा है। मान्यता ये भी है कि इस दिन पर खास तौर से जौ, सत्तू, गेहूं, चना, गन्ने का रस, दूध से बनी चीजें जैसे मिठाइयां, मावा आदि, सोना और जल से भरा कलश, सभी तरह के रस, अनाज और गर्मी के मौसम में जरूरी चीजों का दान करना चाहिए। कहा यह भी जाता है कि अक्षय तृतीया पर पितरों का श्राद्ध करें और ब्राह्मण को भोजन भी कराएं, इससे लाभ मिलेगा। कुछ और चीजें भी हैं जिनका आपको अक्षय तृतीया पर खास ख्याल रखने की जरूरत है, जैसे कि इस दिन किसी के लिए भी कोई दुर्भावना या द्वेष अपने मन में ना रखें, किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर जाते हुए खाली हाथ ना जाएं। इस दिन जो भी पकवान या मिष्ठान बनाएं उसे सबके साथ मिल बांट कर खाएं। अब अगर बात करें कि ये दिन किस राशि के लिए सबसे अच्छा है, तो इस दिन की सबसे अच्छी बात यही है कि मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए अक्षय तृतीया काफी शुभ है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।